तो हेलो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं ब्रह्मपुर के फेमस गोपालपुर बीच में, और ये देखिए बाहर से इसका नज़ारा। ये सब पार्किंग एरिया से जहाँ पे कार और बाइक्स रहती हैं, और सामने सामने की तरफ बढ़ने से हमको गोपालपुर बीच मिलेगा। चलिए तो देखिए दोस्तों बाहर कैसे बच्चों के लिए ये सब खेलने के लिए बनाया गया है। और देखिए इधर चारों तरफ दुकान ही दुकान है, यहाँ पे खाने का दुकान मिल रहा है, यहाँ पे चाट वगैरह मिल रहा है, और सामने जाने से बीच का नज़ारा दिख रहा है। चलिए ये देखिए, देखो बच्चे लोग खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बच्चे लोग सब मजे कर रहे हैं, और उम्मू अभी देख रहा है बच्चे लोगों को, अपने पापा के साथ है उधर, और यहाँ पे मम्मी और दीदी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो। तो देखिए दोस्तों सामने बीच का शानदार नज़ारा दिख रहा है, गोपालपुर बीच। यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए रात में निकलते हैं, देखो कितने सारे नाव हैं इधर, देखिए चारों तरफ पूरा का पूरा गोपालपुर बीच यहाँ से दिख रहा है, उधर पूरा खाली है। चलो देखें कितने लोग यहाँ पे भीड़ हैं अभी शाम के वक्त। यहाँ पे वही खिलौने वगैरह और सब बच्चों का आइटम और वो कप वगैरह मिलता है। तो यहाँ पे देखिए शंख वगैरह और यहाँ पे कप वगैरह सब घर के यूज के लिए यहाँ पे सब मिलता है। देखिए चारों तरफ, अब देख रहे हैं गोपालपुर सी बीच का नज़ारा। अब ये शाम का समय है, फिर भी इतना भीड़ है। पानी लहराता हुआ खेलते हुए बच्चे लोग पानी में नहा रहे हैं। ओम भी खेलते हुए गोद में, मम्मी के गोद में ओम खेलते हुए। देखो आप देख सकते होंगे दूर में कितना और भी भीड़ है। हम लोग अभी पार्किंग के पास है इसीलिए थोड़ा इधर फ्री है, नहीं तो आगे बहुत ही भीड़ है। मैं आपको आगे का नज़ारा भी दिखाऊंगा। ऐसे हम धरे सत्य धारे तक। जितना शाम होते जा रहा है पानी का लहर उतना जोर होते जा रहा है, तो आगे आगे बढ़ता ही रहता है। ये रात तक बहुत ही ऊपर पानी आ जाता है इधर। देखो अभी पूरा शाम हो गया है।
अभी पूरा अंधेरा हो गया है, आगे आपको दिख रहा होगा लाइट हाउस। यहाँ पर कुछ लोग नहाते हुए शाम का समय में पानी का मजा लेते हुए। यहाँ पर भी बच्चे लोग खेलने के लिए कुछ नजारा है। और इधर अभी शाम का समय में संघ का चीज बहुत कुछ इधर मिलता है, बहुत ही कम रेट में मिलता है, पूरी जैसा। और बच्चों का खिलौना जो शाम में पूरा मार्केट बैठा हुआ है इधर। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स का भी चलता है, शायद अभी शाम होने के वजह से अभी नहीं दिखता है, लेकिन ये जगह में आप देख सकते हैं, शायद अभी शाम हो गया इसलिए अभी कुछ वाटर स्पोर्ट्स का नहीं दिखता है। चलो आगे जाके देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये शाम का समय है इसीलिए अभी वाटर स्पोर्टिंग का वो सब कुछ भी चीज अभी नहीं दिख रहा है। अभी तो पूरा ही अंधेरा हो गया, मैं आ गया ढूंढते ढूंढते वाटर स्पोर्टिंग। तो आप अगर सुबह का टाइम पे आएंगे शाम 5 बजे तक आपको वाटर स्पोर्टिंग का फैसिलिटी इधर मिल जाएगा। और बीच में वाटर स्पोर्टिंग का जो जो चीज़ है उसमें अगर आप करेंगे तो उसका मजा और कुछ अलग ही है। ये जो इन एंड आउट होने के लिए बाहर को ये भी रास्ता है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अभी और यहाँ पे खाने का सब रेस्टोरेंट वगैरह कैफे वगैरह है इधर है। और ये आ गया है मेन रोड सामने की तरफ। यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारा रेस्टोरेंट कैफे है। तो देखिए दोस्तों, ये गोपालपुर बीच के बाहर का यहाँ पे सब बैठने के लिए सब व्यवस्था की गई है। और थोड़ा सा देखिए, लाइटनिंग वाइटनिंग करके थोड़ा डेकोरेशन टाइप का किया गया है ये सब कुछ। ओम साइड में दुकान, हर चीज खाने का, चाय, अब सब कुछ इधर मिल सकता है। और यहाँ बैठ के आप नीचे समुंदर का नज़ारा देख सकते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर आके बैठ के देखने से बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन इस बार हम लोग ने शाम का टाइम में आए हैं यहाँ पर देखने के लिए। तो देखिए, ये रोड साइड में बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह भी लगे हैं।
तो दोस्तों अभी हम लोगों का घूमना खत्म हो गया है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल करना।